दोस्तों ये है माँ वैष्णो देवी भवन कटरा। यस दोस्तों, मैं हूँ आज कटरा में और आज का ब्लॉग है वैष्णो देवी कटरा पर। तो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखिए। जय माता दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मशीन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और हम हैं आज कटरा में, जाने वाले हैं वैष्णो देवी कल सुबह। और अभी हो रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं और हम जस्ट पहुंचे हैं कटरा। होटल चेक इन किया है अभी, ट्रेन से आए थे जम्मू से। इससे पहले वाला वीडियो शायद आप देख चुके होंगे अब तक, वो था पटनी टॉप का। पहले हम पटनी टॉप थे और पटनी टॉप से यहाँ पहुंचे हैं। अभी होटल चेक इन कर लिया। देखिए होटल, देखिए एकदम सस्ता वाला है। मैं आपको उसकी रेट बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे। मात्र 700 रुपए में एक बढ़िया सा होटल है। शायद सीजन नहीं है अभी। वॉशरूम सब वाइट वॉशरूम है, क्लीन भी है और होटल भी बढ़िया है। इसका व्यू दिखाता हूँ आपको भी बैक कैमरे से। दोस्तों ये है रूम। जब एक्चुअली जब हम आए थे यहाँ पर कटरा में बस स्टैंड पर, जैसे ही बस से उतरे तो बाहर जो लड़का खड़ा था उसने बोला, जो आते बहुत सारे आते हैं आपको सजेस्ट करने के लिए हमारे होटल में चलिए, वहां पर उसने ब्रोशर दिखाया मुझे, रूम दिखाया कि सर ये रूम्स हैं और प्राइजेस इतने हैं। 700 रुपए बताया उसने। 700 रुपए में उसने हमें वहां से पिक भी किया कार से, और कल जब हम जाएंगे चेकआउट करेंगे तो ड्रॉप भी करेगा स्टेशन। जो कि अगर आप नॉर्मल टैक्सी से आते हैं रूम के लिए तो करीब करीब 150 रुपए वहां से टैक्सी से लगते हैं और ड्रॉप के 220 रुपए लगते हैं। तो हमारे 300 रुपए वो बच गए और 700 रुपए में होटल है। तो आप समझ सकते हैं कितना सस्ता है अभी ये, जिसमें गीजर भी है, एसी भी है, सब कुछ, और बालकनी सब कुछ, बहुत बढ़िया व्यू है एकदम, और कंफर्टेबल भी है, साफ सुथरा भी है। ये आप बाहर का व्यू देखिए एक बारी। ये मार्केट है और ये है वैष्णो देवी। ये ऊपर आप जो टॉप देख रहे हैं वो अर्धकुंवारी दिख रहा है यहाँ से। ये रास्ता जो ज्यादा लाइटिंग दिख रही है वो रास्ता है ऊपर जाने के लिए। दूसरा वाला जो नया रास्ता भी है एक, और इधर पास में यहाँ पर बाणगंगा है। ये जो नीचे लोग जा रहे हैं बाणगंगा के लिए जा रहे हैं, बस यहीं से हमें यात्रा स्टार्ट करनी है। तो सुबह उठेंगे और बस शुरू हो जाएंगे, पास में ही है एकदम। ये काफी सारे लोग जो ऑटो वगैरह से आ रहे हैं वो सब है। और ये थोड़ी गंदगी कर रखी लोगों ने, हमारे देश के लोग हैं ऐसे। तो चलिए अब आज सोते हैं और कल सुबह आपको बताएंगे फिर कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, बाकी की डिटेल कल सुबह के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी बाणगंगा एंट्री गेट पर। आप देख रहे हैं लाइन में लगे हुए काफी देर। होटल से जस्ट नीचे ही था हमारा, 2 मिनट का पैदल रास्ता था इस तरफ से। ये फीमेल्स के लिए है, सामने से वो गेट जो है वो, फीमेल्स काफी कम है, मेल काफी ज्यादा है, तो लाइन यहाँ पर थोड़ी क्यू लंबी है। तो एकदम पास में ही है बाणगंगा गेट। इसके लिए पर्ची लेनी पड़ती है आपको, यात्रा पर्ची आपको जगह जगह मिल जाती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ भी पास में पीछे थी मार्केट में। हमने होटल वाले को पैसे दे के और निकलवा ली थी ऑनलाइन, तो वो 60 रुपए चार्ज हुए थे उसके, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये है बाणगंगा गेट, अभी स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ से जरनी पर्ची चेक करा के उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना होता है। पर्ची लेना बहुत जरूरी है, उसके अलावा आप स्टार्ट नहीं कर सकते अदरवाइज यात्रा यहाँ से। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम बाणगंगा गेट से। ये देखिए सफाई भी हो रही है यहाँ पर, काफी साफ सुथरा सा रास्ता है। ये मार्केट है थोड़ा सा, यहाँ पर आप पिक्चर वगैरह क्लिक कराइए, कुछ पैसे देने होते हैं थोड़े बहुत, और बस पर्ची चेक करा के निकले हम। ये है बाणगंगा, यहाँ पर एक्चुअली स्नान करने के बाद ही आपको यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए, बट अभी सर्दी काफी है तो हमने बस गंगा जल की तरह छिड़क के काम चला सकते हैं, आप भी हमारी तरह। ये इधर नदी है इस साइड में, ये घाट बना हुआ है यहाँ पर, ये है यहाँ पर आपको स्नान करना होता है। बाकी यहीं से आपको घोड़े पालकी सब मिल जाता है। आप देखेंगे आगे पालकी जा रही है हमारे, ये घोड़े भी आ रहे हैं काफी सारे। तो घोड़े को यहाँ पौनी बोलते हैं और पालकी को पालकी ही बोलते हैं, और पिट्ठू जो बच्चों की एक ट्रॉली होती है उसको पिट्ठू बोलते हैं। ये देखिए ये है पालकी और इसके आगे जा रहा है पिट्ठू बच्चों का। जो इनके रेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे जाके थोड़ा सा और, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में यहीं पर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आगे का। और तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम चरण पादुका, ये एक मंदिर है, इसको बोलते हैं प्रथम दर्शन लिखा हुआ है सामने। करीब करीब 3 किलोमीटर चल लिए हम लोग, करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है हमें, टाइम तो एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं था। ये मंदिर है, यहाँ पर पहले दर्शन करना होता है आपको, और कहते हैं यहाँ पर माता जी रुकी थी, लिखा भी है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर माता जी रुकी थी
उन्होंने पलट के देखा था पीछे कि भैरव आ रहा है कि पीछे से, तो उनके चरणों के निशान पड़ गए थे, तो इसलिए इसका नाम चरण पादुका पड़ गया। अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है अंदर। वैसे तो वीडियोग्राफी सॉरी फोटोग्राफी मना है, बट मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। वेल वीडियोग्राफी भी मना है, बट मैं आपके लिए थोड़ा सा बात कर ली मैंने, और मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा अंदर क्या है मंदिर में। तो काफी सारे लोग हैं एक्चुअली, यहाँ पर दर्शन करना ही होता है सबको, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं, तो सारे मंदिर देखते हुए जाना है। ये मंदिर है, काफी सारी मूर्तियां हैं, और ये इधर मेन मंदिर है जहां पर हम जाने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए ये है मंदिर, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर है। ये माता जी की मूर्ति है और नीचे चरण पादुका बनी हुई है उनकी, मैं आपको भी डिटेल में दिखाता हूँ। सही से दिख नहीं रहा यहां से, मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ आगे, फिर देखता हूँ। फोटो लेना मना है बिल्कुल, वीडियो बनाना नहीं। मजाक कर रहा हूँ। ये है देखिए, ये है चरणों के निशान, माता जी के चरण पादुका, इसलिए ना मंदिर का नाम पड़ा है। और ये देखिए सुंदर सा मंदिर है, बहुत सुंदर है। तो एक ये परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा में ही आपको मिलते हैं ये माता जी, नहीं ये नहीं, ये भगवान की बात कर रहा हूं मैं। तो ये काफी सारे हैं यहाँ पर, आप देखते जाइए, सबके नाम लिखे हुए हैं नीचे, और सारी माता भी हैं, गणेश जी हैं और भी हैं, काफी सारे माता के रूप हैं जो, तो वो सारे यहाँ पर मूर्तियां बना रखी हैं, काफी सुंदर हैं ये देखने में, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो ये है चरण पादुका मंदिर, एक परिक्रमा हो गई हमारी, और अब यहां से एग्जिट है। और अब थोड़ी सी भूख लगी थी, तो ये कढ़ी चावल है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट था रास्ते में, एक अच्छा खाना, टेस्टी है, काफी सारे लोग खा रहे थे, और सस्ता भी है, 50 रुपए का शायद कढ़ी चावल है, तो वो लिया है। और अब आगे जाते हैं अर्धकुंवारी के लिए। एक्चुअली हम अर्धकुंवारी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मंदिर बंद है, तो अब यहां से लेंगे हम नया रास्ता और सीधे निकलेंगे भवन के लिए। पहुंच चुके हैं भवन के पास, नॉट भवन, रास्ते में अभी थोड़ा सा और आराम कर रहे थे, थोड़ा सा और पास में आप देख रहे थे मंदिर यहां से। ये देखिए नया वाला रास्ता, ये नया रास्ता बहुत ही बढ़िया है, ये यात्रा पर्ची यहाँ पर जब भीड़ होती है तो यहाँ से भी चेक करा के भेजते हैं, बट अभी हमें कहीं चेक नहीं किया क्योंकि हम जल्दी निकल आए थे, तो काफी कम ही लोग हैं फिलहाल, और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि लोग कम ही आते हैं फिलहाल। ये देखिए आप नीचे का व्यू देखेंगे यहाँ से, बड़ा सुंदर व्यू, थोड़ा सा फॉग हो रखा है इसलिए बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, बट अच्छा व्यू है काफी सारा। तो बस थोड़ा सा रेस्ट लिया था, अब यहां से निकलते हैं मंदिर के लिए, और आगे का आपके लिए और दिखाते हैं। ये देखिए एक और पालकी, ये नया रास्ता है, पुराना रास्ते पर थोड़ा सा घोड़े वगैरह चलते हैं इसलिए नहीं जाते हैं लोग, और नए रास्ते पे प्रेफर करते हैं सब, बड़ा अच्छा है। यहाँ से भी आपको भवन दिख रहा है, वो देखिए आप सामने। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भवन, लेकिन हम माता जी के दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 4 बज चुके हैं, और अगर हम माता जी के दर्शन के लिए जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और 5 बजे हो जाता है रोपवे बंद, हमें जाना है रोपवे से ही, इसलिए पहले हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद माता जी के दर्शन करेंगे। तो ये है रोपवे, और ये देखिए वेदर, मस्त फॉग, थोड़ा सा बादल हो रहे हैं तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, बट ये भी बहुत, शायद वीडियो में उतना अच्छा ना आए लेकिन आपको देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब ऊपर जाके देखते हैं ऊपर कैसा है। फिर हम निकल रहे हैं अभी रोपवे से, ये एग्जिट है यहाँ का, और अब यहां से पैदल जाना पड़ेगा मैं भैरव बाबा तक, थोड़ा सा ये पास में वो देखते हैं ऊपर। ये देखिए स्नो गिरा हुआ यहाँ पर काफी सारा, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए स्नो है यहाँ पर, ऊपर आपको स्नो मिल रहा है, भवन के पास नहीं था ये, भैरव बाबा मंदिर के पास में है। ये देखिए जमा हो रखा है, ये पानी जमा हुआ है, ये देखिए व्यू, बहुत ही सुंदर जगह है, एक बार आपको जरूर ही आना चाहिए। आप माता जी के लिए नहीं आए तो एक बार व्यू के लिए तो जरूर आइए। ये देखिए यहाँ पर स्नो है साइड में, ये रास्ता है ऊपर भैरव बाबा जाने का, अब हम वहां पहुंच के फिर वहां पर आपको कंटिन्यू करेंगे। तो पहुंच गए हैं भैरव बाबा मंदिर, ये है भैरव बाबा का मंदिर, छोटा सा ये, बहुत बड़ा नहीं है, बट मानते हैं कि अगर आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए नहीं आए तो फिर आपकी यात्रा अधूरी रहती है, सिर्फ माता जी के दर्शन करके वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पहले आ गए क्योंकि फिर अधूरा नहीं छोड़ना था हमको। ये है भैरव बाबा मंदिर, देखिए
काफी सारे लोग, इवन सभी आते हैं, जो नीचे माता जी के लिए आते हैं वो यहाँ भी आते हैं। अगर आप पैदल आना चाहें पैदल भी आ सकते हैं, आधे घंटे का रास्ता है, और आप इससे आ सकते हैं अगर रोपवे से, तो आप रोपवे से आ जाइए। ये ऊपर का व्यू, यहाँ अभी हम जाएंगे और नीचे से देखते हैं शूट करके कैसा आ रहा है। ये देखिए मौसम थोड़ा सा डिफरेंट, एक्चुअली बादल हो रखे हैं और नीचे अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि खराब मौसम की वजह से शायद रोपवे बंद हो सकता है, हमें जल्दी वापस जाना पड़ेगा। ये व्यू देखिए आप, ऑसम, एकदम बहुत ही सुंदर है। तो अब हम आ गए हैं भैरव बाबा के नीचे, ग्राउंड बनाया हुआ है। एक्चुअली ग्राउंड क्या एक एक, ये आप देखिए यहां से समझ जाएगा आपको, बालकनी टाइप है जहां पर आप सेल्फी पिक्चर ले सकते हैं या फिर नीचे का कंप्लीट व्यू। ये भैरव बाबा मंदिर है और इधर ये देखिए, ये एकदम ढका हुआ बादलों से, अगर ये नहीं होता तो कमाल का व्यू आने वाला था। सामने देखिए आप, ये थोड़ा सा फॉग हो रहा है, फॉग बादल भी बोला, फॉग नहीं एक्चुअली, ये थोड़े से बादल हैं जो ऊपर की साइड हो रहे हैं पहाड़ पे, जिसकी वजह से क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। देखिए नीचे ये स्नो है, यहाँ पर स्नो गिरी हुई थी अभी कभी 4-5 दिन पहले, जो मैंने बताया था जहां पर जो पार्टी टॉप में गिरी थी उसी टाइम पे यहां भी गिरी थी। और ये बानर से ना, तो स्नो थोड़ी सी है यहां पर अभी दिख रही है, ऊपर भैरव बाबा के पास है, नीचे मंदिर के पास तो बिल्कुल नहीं थी, तो हम ऊपर ही आ गए। ठंड काफी है, इसको देख के आप समझ सकते हैं। और ये व्यू, ये भवन दिख रहा है नीचे, बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा दिख रहा है बस। और ये देखिए यहां पर, शायद ये मुझे लग रहा है कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा जितना कि मैं इसको लाइव देख पा रहा हूं, क्योंकि कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा फॉग में। बट ये फॉग भी उतना सुंदर लग रहा है, मतलब आप बोल देख के अब क्या बोलूं मैं, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। तो ये मंदिर, काफी सारे लोग आ रखे हैं, अब हम बस अब जाने वाले हैं क्योंकि जल्दी ही हमारा रोपवे का अनाउंसमेंट चल रहा है पीछे कि वो बंद होने वाला है। तो बस निकलते हैं और नीचे पहुंच के फिर माता जी का कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली रोपवे में मुझे मिल गई परमिशन वीडियो बनाने की। तो ये आप रोपवे से देखिए अभी व्यू, ये आते हुए हमने देखा था, आप जाते हुए आप देखिए, ये बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। तो बस पहुंचने वाले हैं नीचे, ये है देखिए ऊपर जाने का जो भैरव बाबा जाते हैं वो यात्रा का शेड है ये सामने, उधर नीचे की साइड भवन की तरफ चला गया, और ये ऊपर का रास्ता जहां पर हम जाते हैं पैदल पैदल। तो पहुंच गए हैं, अब आगे का भवन जाते हैं और फिर वहां का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अभी नीचे पहुंच रहे हैं हम रोपवे पे, ये रोपवे स्टेशन है, यहीं से टिकट मिलती है इसकी, करीब 100 रुपये टिकट है एक आदमी की दोनों साइड की, तो टिकट लीजिए और आप जा सकते हैं। और बाकी का कंटिन्यू करते हैं भवन की साइड। तो ये है लॉकर रूम, क्लॉक रूम एक्चुअली। तो यहां पर आपको सारा सामान आपका जमा करना पड़ेगा, मोबाइल, पर्स, वॉलेट, बेल्ट, बैग, शूज। तो यहां से आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा, अब लौट के आगे वीडियो बनाएंगे आगे का, और यहां ये सबमिट करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे आगे का। तो वापस आ चुके हैं हम, और ये आप देख रहे हैं सामने गेट नंबर 3, यहां से एंट्री होती है। अभी आप देखिए यहां पर काफी भीड़ हो चुकी है, बट हमें क्योंकि वापस निकलना है जल्दी, इसलिए हम फटाफट से गए थे, आरती से पहले ही हम दर्शन करके आ गए। मंदिर में सफाई चल रही थी और इसीलिए अब लोग रोक दिए गए हैं सफाई के लिए, इसके बाद आरती होगी तब फिर इनकी एंट्री स्टार्ट होगी। अब देखें काफी क्यू है यहां से, बहुत लंबी लाइन लगी, और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बजे। तो जो सुबह स्टार्ट करते हैं या दोपहर तक करते हैं वो अभी पहुंचे हैं यहां पर, और हम अब वापस जाएंगे 6 बजे से, अब निकल रहे हैं हम लोग। तो फिर रास्ते में कंटिन्यू करते हैं आपको, ये आप देख रहे होंगे यहां पर कितनी लंबी लाइन है, मतलब यहां पर करीब आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ जाएगा अभी। और थोड़ा सा आगे मार्केट है, कुछ खाते हैं वहां पर, और उसके बाद फिर नीचे जाके वीडियो बनाएंगे। ये भवन के बाहर ही थोड़ा सा मार्केट है, तो यहां कुछ खाते हैं, आप सामने देख रहे हैं काफी लंबा मार्केट है, और फिर निकलते हैं।
तो हम पहुंच चुके हैं अभी अर्धकुमारी, आधा रास्ता हमने क्लियर कर लिया है। और ये आप देखिए नीचे का व्यू, अंधेरा एकदम, पूरा कटरा शहर है ये, देखिए ये पूरा कटरा शहर है। थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ से आपको बैटरी ऑपरेटेड कार भी मिलती है। एक्चुअली जो रेट लिस्ट है इसकी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसका, क्योंकि बहुत सारे रेट लिस्ट थे डिस्टेंस और वेट के हिसाब से, पिट्टू का, पालकी का, पोनी का, तो वो सारा की सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां चेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है कटरा शहर, और यहीं पर पास में ही है ये देखिए, ये बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल चलते हैं यहाँ पर, बैटरी कार टिकट, ये 354 का बैटरी ऑपरेटेड टिकट है, ये सिर्फ अर्धकुंवारी से ही मिलता है भवन तक का, तो आप इससे भी जा सकते हैं, अर्धकुंवारी तक आइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नई सुबह, हम पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन पर। इवन सुबह नहीं, दोपहर हो रही है, और हम आराम से 11 बजे तक सो के उठे, उसके बाद 12:30 के आसपास हमने चेकआउट किया, थोड़ा सा मार्केट गए, और हमारी 4 बजे की ट्रेन है रिटर्न की। तो अभी हम हैं स्टेशन पर, और ये बाहर का व्यू देखिए, ये स्टेशन कम एयरपोर्ट ज्यादा लग रहा है, और इतना सुंदर है ये, आप सामने देख रहे हैं, इस पहाड़ पर हमें जाना होता है, इसी पर है वैष्णो देवी। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये है अर्धकुंवारी, ये एक्चुअली बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है, और ये नया रास्ता बना है जिसपे व्हीकल भी जा सकते हैं, ये आप देख रहे हैं सामने वाला। और ये ऊपर की साइड है माता का मंदिर, एक्चुअली इस पहाड़ के पीछे की साइड है ये, तो बीच में बस जो कुछ बना हुआ वो दिख रहा है। और ये स्टेशन बहुत सुंदर स्टेशन है, लाइक लग रहा है जैसे एयरपोर्ट हो। ये देखिए एकदम बड़ा सा स्टेडियम, आगे ग्राउंड, नीला आसमान, और एक ये वीडियो है, ये देखिए आप थोड़ा सा आगे, ये इमेज, ये मैंने जानबूझ के ऐड की है, छोटी सी है लेकिन अच्छी लगी, मुझे लगता है कि हाँ वाकई में ये सही कोट है। और ये देखिए आप स्टेशन अंदर से, मैं स्टेशन के अंदर आ गया हूँ, मैंने ट्रेन का टाइम होने वाला है एक्चुअली, तो ये देखिए एयरपोर्ट लग रहा है, लाइक बहुत ही सुंदर। स्टेशन के अंदर आपने देखा होगा कि बैठने के लिए ग्राउंड बनाया हुआ है, और वो प्रॉपर साफ सुथरा ग्राउंड है, हरा भरा, क्लीनिंग देखिए कितनी कितनी ज्यादा क्लीनिंग है यहाँ पर, लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया का स्टेशन है। एक्चुअली मैंने शायद लाइफ में पहली बार ये स्टेशन इतना सुंदर देखा है, कोई रेलवे स्टेशन, और शायद रीजन इसका ये भी है कि ये एकदम नया बना है अभी, और आपको पता है कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्पेशली बनवाया है, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से रख रखाव किया गया, पैसा भी काफी इन्वेस्ट किया गया यहाँ पर, बहुत बड़ा भी है, सुंदर भी है, और हाईटेक भी है, सारी चीजें आपको बाहर यहाँ पर, ऊपर मॉल भी है, शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट है, स्टेशन के ऊपर ही उस पीछे की साइड में इधर, तो सारी चीजें हैं। बस अब ट्रेन का टाइम होने वाला है और नीचे जाते हैं, और फिर थोड़ा सा आप नीचे भी देखते हैं कि स्टेशन की पटरियां कैसी हैं। ये देखिए ये है जहां पर सारा मॉल और वो बना हुआ ऊपर, और ये प्लेटफॉर्म, बस अब निकल रहे हैं, हमारी ट्रेन उधर खड़ी हुई है। ये देखिए प्लेटफॉर्म कितना साफ सुथरा है, सामने एकदम ग्रीनरी गार्डन बनाया हुआ है स्टेशन को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वो हमारी पीछे ट्रेन लगी हुई है, टाइम हो चुका है और निकलते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। बहुत सारे ब्लॉग और भी आने वाले हैं जल्दी ही, तो प्लीज बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ये मेरी ट्रेन कटरा से हरिद्वार, ऋषिकेश एक्चुअली, बट हरिद्वार तक है।